अल्टीमेट क्वेश्चन बोर्ड का, बहुत फेवरेट एग्जामिनर का, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आ जाओ। क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 मीटर की ऊंचाई पे, ये 300 मीटर ये ग्राउंड है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 300 मीटर की ऊंचाई पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हवाई जहाज, देखो भाई मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है तो ऐसे मान लेना कि हवाई जहाज है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। कहां पे, अब क्या कह रहा है, फ्लाइंग एट द हाइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बैक ऑफ द रिवर, मतलब नदी के किनारे। अब नदी कहां होगी भाई, सीधी सी बात है, नदी तो नीचे ही होगी, हवा में तो ऊपर होगी नहीं नदी, तो यहां पे कहीं पे नदी के दो किनारे हैं, यहां पे ये दो किनारों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे की ओर, सिंपल सा हमें पता है, ये इधर एक ये मिला दो इधर और इधर इसको मिला दो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, देखना ध्यान से कहां बनेगा, इसको ये मिला दो ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है, ये रहा 45 डिग्री, तो इधर ये 45 डिग्री है और इधर ये 60 डिग्री है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहां पे नाम लिख देते हैं, इसको नाम लिख देते हैं ए और यहां पे बी और यहां सी और ये डी, ठीक है। अब यहां देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा और इधर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है ना, दिख गया ना जेड, तो ये हमें क्या निकालना है, ये वाली फिट, तो मान लो इसको सपोज मान लो एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बार बार एक ही चीज हमेशा से रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट करूंगा। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ए बी सी और ए सी डी, दोनों में कॉमन क्या है सर, ए सी कॉमन है, मतलब हाइट कॉमन है, हाइट निकाल दो और दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है आप लोगों को, ए सी बी या ए बी सी ए सी बी कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या लगा रहा हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी, और टेन कितना है 45 कितना, टेन 45 और हमारा पी कितना है, यहाँ पे पी को लिख दिया मैंने ए सी और बी कितना है मेरा बी सी और ए सी कितना है मेरे पास 300 दिया हुआ है 300 और बी सी कितना है बी सी को मैंने एक्स निकाल दिया, तो टेन 45 कितना होता है 1, तो यहां से कितना जाएगा 300 अपॉन एक्स, तो मतलब सीधा सीधा एक्स कितना आ गया भाई मेरे पास 300 मीटर, एम लगा देना यहाँ पे छूट गया, ठीक है, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया। अब मुझे किसी तरीके से वाई निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। अब सिमिलरली ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल एसीडी में, इन ट्रायंगल एसीडी में क्या लगाना है, फिर वही लगा रहा हूं 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, 10 कितना है, 10 थीटा कितना है 10 60, पी कितना था हमारे पास एसी और बी कितना है मेरे पास सीडी, ठीक है, और एसी कितना है 300 और ये कितना है वाई, 1060 कितना होता है √3 इक्वल टू 300 अपॉन वाई, तो यहां से वाई कितना आ गया मेरे पास भाई 300 और ये इस तरह मल्टीप्लाई चला गया ना इधर, तो वाई कितना आया 300, ठीक है, यहां तक क्लियर है, या इसको ऐसे भी लिख लो वाई इक्वल टू 300 अपॉन √3, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं, हमें एक्स और वाई पूरा निकालना था ना, तो एक्स निकल गया, अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, y कितना है मेरे पास, y इतना है मेरे पास ये 300 अपॉन √3, ठीक है। अब मैं इसको, आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा सर, तो यहां से कितना आ जाएगा 300 √3 और हमें पता है पूरा पूरा √3 मिल गया पूरा पूरा 3, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 100, तो y मेरे पास कितना आ गया 100 √3, हमें क्या निकालना था x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे देखो, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यही तो हमारी विड्थ है, x कितना है 300 और y कितना है 100 √3, पूरा कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल सर, और 100 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √3, ठीक है, √3 की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पे पुट कर देना, बड़ा ऐसे ही कर देना, या सिंपल सा है इसको सोल्व भी मत करो, ऐसे ही लिख दो 300 √3 और फिर एलसीएम लेके कर दो, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक तो ये आंसर होगा, दूसरा आंसर भी देख लो भाई, एक्स कितना आया, एक्स आया मेरे पास 300 और वाई वहां से कितना आएगा प्लस में, वाई कितना आएगा सीधा सीधा लिख दो अगर 300 अपॉन √3, तो यहां से कितना आ जाएगा देखो
300 रूट 3 प्लस 300 अपॉन रूट 3। तो यहां से अगर मैंने 300 को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब वही चीज रेशनलाइज करेंगे तो अल्टीमेट फिर वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। ठीक है, क्लियर है? दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम है। आया समझ में? नोट डाउन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये फ्लाइंग वाला, आपकी बुक में भी है, अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताना कि लेक्चर आपको मेरे पढ़ाया हुआ लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, वहां मैंने सम एप्लीकेशन के 30 क्वेश्चन करवाए प्रीवियस ईयर के, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवाई है आपको, प्रोबेबिलिटी करवाई है, एपी करवाया, क्वाड्रेटिक करवाया, सर्कल करवाया, जाके देखो बहुत मजा आएगा आपको, सच में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नोट डाउन करो, अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।